क्या वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, आज सबका फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी मैं जो अपने होम टाउन हूँ रानीखेत, तो अभी जा रहे हैं हम पिछारी मतलब जो हमारा गांव में कहते हैं पिछारी, वैसे बगीचा। तो बगीचे में जा रहे हैं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुछ कमिटमेंट किया था वो पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। कब से सोच रहे थे जाएंगे लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर टाइम का मैं कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ बारिश भी हो रही थी। तो आज मौसम ठीक है, जा हो भी सकती लेकिन मौसम बन रहा है लेट सी। तो बस सोच रहा है भाई हूँ तो जरूर, क्योंकि मैंने बोला है तो करना जरूर पड़ेगा और वैसे मेरी विश थी मैं जरूर करूँगा, तो मैं जा रहा हूँ उसको करने के लिए। तो ये अभी दीपांशु चले गए, आगे चले गए, बाकी हर्ष और तनुज ये नहीं आ रहे थे, इनकी मम्मी मना कर रही थी, लेकिन अब आगे हमें देखे क्योंकि मैंने सोचा ये आएंगे नहीं आएंगे तो मैं तो फिर भी जाऊँगा। कोई भी काम अगर करना तो आपको कोई आता तो ठीक है, नहीं तो खुद करना ही पड़ेगा, यू नो मैं कभी डिपेंड रहता किसी पे। सो ये भी आगे तो अच्छी बात है, दोबारा आगे तो आप जा रहे हैं या आगे चले गए। आज तो बहुत ज़्यादा झाड़ी हो गई, उस टाइम तब भी साफ था, उस टाइम हम ऊपर से गए थे लेकिन इस बार नीचे से आ रहे हैं क्योंकि ऊपर काम है ना, नीचे है जो काम करना है, तो नीचे से आ रहे हैं। ये लोग आगे चले गए, यहाँ पर यहाँ पर बगीचा आप देख सकते हैं, यहाँ वो पानी आ रहा है और ये बगीचा हमारे गाँव वालों का है। यहाँ से इसमें ये लोग यहाँ पर रुके हैं, क्या बात, चलो तो आगे मंजिल। लास्ट टाइम जो आया था कमिटमेंट के तो उसी के लिए आ रहे हैं, तो आज सफाई करने सोच रहे हैं, देख सकते हैं आप। और उस टाइम तब भी अच्छा था, अंदर जाने का था, आज देखो कितनी झाड़ी हो गई, पूरा देख ही नहीं रहा अंदर कैसा होगा। पूरा हम सोच रहे हैं इसको पूरा साफ करेंगे उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि साफ करते रहने से उसको हर साल जब भी मतलब आते हैं यहाँ पर ताकि झाड़ी ना रहे। तो उस टाइम यहाँ पर जो आए थे हमारे साथ, हम सभी लोग थे, दीपांशु नहीं थे, रेणु आए थे, दीपांशु आ गए है ना सभी। अब हमें पूरा काटना है, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें, और एक तो हमारे को छोटे छोटे काटने वाले भी ज़्यादा नहीं, दिखाना क्या क्या लाए हैं आप देख सकते हैं। ये है, ये लाए हैं दो काटने वाले, इसी से घास आज भी काटते हैं, लकड़ियाँ भी काटते हैं गांव में, और बाकी में सब तलवार का जो मैनेज नहीं हो पाया तलवार इसी से काटते हैं। हालांकि बहुत हार्ड है काटना लेकिन फिर हम चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को, करना है तो करना है। तो गाइस हम सोरे कहाँ से स्टार्ट करें, उधर ना क्या हुआ ये बिच्छू पहाड़ी में, थोड़ा और रह गया अभी। ऊपर यहाँ पर ना बाहर है, ऊपर आए तो हाँ झाड़ से निकालो से गए। ऊपर तक हमारा ये पूरा पूरा किसी हाउस जैसा है, मतलब वो बनाया गया है ताकि इसका टैंकी जैसा बनाया गया, लेकिन ऊपर लकड़ी वगैरह रखी हुई है ऊपर से कार से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी इतनी जरूरत है, क्योंकि पूरा सही करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। फिलहाल हम खाली झाड़ी काट रहे हैं और थोड़ा हल्का साफ कर रहे हैं, बाकी इससे थोड़ा और है, देखेंगे जो फ्यूचर वर्क कुछ होता है तो देखते हैं इसको भी सही करने की, इसको पूरा अच्छी तरह बना के और इसको थोड़ा और करके सीमेंट विमेंट करके अच्छा हो जाएगा, धोने पड़ेगा ऐसे रख देना, रख देना ऐसे। हाँ पहले इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर थे, अब एक ही पत्थर दिख रहा है, एक ही यही दिख रहा है, यहाँ नहाने आते थे और ये पूरा साफ था, इसमें बहुत पानी था, इसके अंदर भी बहुत साफ था, कपड़े भी धोने आते थे, अब यहाँ के मतलब कोई कैद नहीं करता तो इसलिए ऐसे बुरे हाल हो रहे हैं इसके। इनको साइड लगा दो लग गई थी, तो यार आप देख सकते हो पूरे पैर है गंदे हो गए हमारे हाथ, पहले ऐसे करते हैं उधर जाते हैं यार, उधर घर ही धोएंगे इनको, क्या क्या तनुष दे दो, तनुष कपड़े साफ है, तनुष ने कम काम किया और दीपांशु हर्षु मैंने बहुत काम किया।
उनका इधर रख लेते, ऊपर क्या करते, चलते हैं यार, चलो आ जाओ, चलो I know you got problems, know you at the bottom, know you took a loss today. Everybody want bottles, give me four bottles, you just want bottles, yeah. Run those out of here. So guys, finally, हमने कर दिया साफ, बाकी हमने अभी झाड़ी काटे और खाली थोड़ा साफ किया। आप इतना अच्छा लग रहा है, इससे पहले आप देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा था, दिख भी नहीं रहा था नौला, ऐसा लग रहा था। मैं भी आपको अंदर दिखाता हूँ नौले में कैसा क्या है। इसमें पत्थर है और पानी तो नेचुरल है, साफ है, मैं थोड़ा उसको साफ करने की जरूरत है। अगर आप साफ करेंगे तो अच्छा रहे। आप देख सकते हैं पुराने पत्थर हैं, बहुत पहले जमाने के, साल पुराना है। उस टाइम हमारे दादाजी और बहुत से लोगों ने बनाए, पापा जी उन्होंने, तो ये हम लोगों के लिए बनाए ताकि कहीं हमें जाना न पड़े। यहीं हम जब भी आगे बगीचे में आते हैं पानी पीने का मन करे तो ठंडा पानी पी सकते हैं और यहाँ कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं। वैसे इसको खाली पीने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कभी एमरजेंसी में आपको जरूरत है तो कपड़े भी धो सकते हैं और पानी भी ले आ सकते हैं। क्या एक्चुअली ये हमारी बहुत पुराने टाइम का है, हमारे दादाजी उनके बहुत बहुत पुराने हैं, पता नहीं कितना साल पुराना था, इसलिए मैं चाहता हूँ उनके हिसाब से मुझे मतलब प्रेरणा मिली ताकि हम इसको साफ कर सकें, आइडिया आया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमने साफ के लिए और भी हमें और भी मोटिवेशन मिले ताकि हम और इसको और बेटर करें और आने वाले समय इसको और केयर करें, हो सके तो बढ़िया बना दें, हमें मतलब आशीर्वाद मिले उनका। तो इसलिए मैं सोच रहा कि हमारे पहाड़ में हमेशा यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी आता है पहाड़ में बगीचों में पूजा पाठ करने के लिए थोड़ा सा मंदिर बना लेते हैं और साथ में जो मोहल्ला है इसकी पूजा करते हैं, मेरे हिसाब गलत नहीं है। तो मैं भी परंपरा कुछ चीज़ें तो बोलनी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं अगरबत्ती और ये लेके आया ताकि इसको जला के आशीर्वाद लिया मुझे। ये कुदाल हो गया और फौड़ा हो गया, इस टाइप का अगर होता तो आराम से बढ़िया बना सकते ना। कुमारी इतना हो गया, नेक्स्ट टाइम प्लान बना के आएंगे। चलो खाइए आलू, ले मस्त, आप खाओ ये वाला। हर चुका खराब मिले तो इसलिए तोड़ने चले गए दोबारा ही। अरे हो गया, आ जाओ। कैसा लगा आपको यहाँ पर साफ करके नौला? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या सीखे आप? हमको नौला साफ करता रहे। हाँ, हमको सफाई रखनी चाहिए। फाइनली जो विश थी पूरी कर दी हमने, क्योंकि मैं सोच रहा था उसको काटूंगा जरूर जब तक तो मैं यहाँ हुआ, क्योंकि दिल्ली भी निकलना है, लेकिन फाइनली आज हम अच्छा, वैसे हम आज हम सही आए ना, क्योंकि आज इसलिए अच्छा था क्योंकि आप मौसम भी सही है, धूप नहीं है ज़्यादा, क्योंकि धूप में क्या होता है बहुत खुजली टाइप की लगती है, इसको काटा भी नहीं जाता हमसे, हमको आदत भी नहीं है, काटा भी नहीं जाता है, और लेकिन आज धूप नहीं है और मौसम अच्छा है, गर्मी भी नहीं लगी ज़्यादा और मतलब अच्छा लगा। एक तो क्या होता है दिल से कोई काम कर, मतलब आप थकते भी नहीं हो ना, आपको फील होता है क्योंकि बस आप सरदा होने चाहिए कोई चीज करने के लिए, तो हमारे मतलब इंटरेस्ट था और हमारी विश भी थी, तो इसलिए गया सभी कंट्रीब्यूशन, तनुज, हर दीपांशु, हर्षु और रेनू, अगर रेनू वीडियो देख रहे तो रेनू भी मिस कर रहे थे, रेनू भी आई थी हमारे साथ में लास्ट टाइम, वो भी बोले थे कि मैं भी आऊँगा लेकिन वो चले गए दिल्ली, इसलिए मेरा प्लान है अगर सही होता है तो हर चीज़ आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो गए जरूर करेंगे इसको, और हमारे पर कृपा रहे जो हमारे यहाँ के इष्ट देवता जो हमारे दादाजी और जो जिन्होंने इस पर कंट्रीब्यूशन किया था इसको बनाने के लिए, जिन्होंने बनाया था। और तो आप चलते हैं घर, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि ताकि सब किसी को मोटिवेशनल मिले और जो आप लोग भूल रहे हैं अपने पहाड़ को, और पहाड़ में बहुत चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, वो चीज़ को भूल रहे हैं ताकि उनको दोबारा रिबिल्ड करें और वो केयर करें, इसलिए वीडियो बनाने का मकसद है और अपने आप को मैं मोटिवेशन करने के लिए जो भी मैं करता हूँ उस चीज़ के लिए भी है। बाकी आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुँचे वीडियो, और जिन लोगों को पहाड़ भूल रहे हैं, जो पहाड़ में अच्छी चीज़ें उसको भूलें, उसको दोबारा रिबिल्ड करें और सबको मोटिवेशन मिले। और सब अगर आप न्यू आए हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू। क्या हुआ? ये हजरे मेरे पे। सो अभी जो बज गए हैं 11:30 हो गए हैं, तो हम आए थे, हमें लगभग 1 घंटा लगा ना यहाँ पे। हाँ लगभग हमें 1 घंटा लगा, 1 घंटे में हमने फिनिश कर दिया है, अब घर जाते हैं, आराम से नहाते हैं और आड़ू खाने में भी मजा आ रहा है, आ रहा है ना? क्या मेरे गिराने के लिए ये बात रखे हैं?
इससे पहले भी इन्होंने बांधा ताकि मैं गिर गया उस टाइम में देखा नहीं, अभी दोबारा बांध रहे हैं।